नमस्कार दोस्तों, आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आज का एक प्रश्न जो आपके सामने उत्तर के रूप में ला रहा हूँ, हाउ टू क्लेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन। बहुत सारे लोग सर ये समस्या से पीड़ित रहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ बाटिए जी, अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स मैं बचाना चाहता हूँ, तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स को बचाने के लिए उनके पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, वो ऑप्शंस आज की इस वीडियो का मुख्य केंद्र बिंदु है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने कवरेज रखता हूं कि आज की इस वीडियो में हम किन किन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, उसे मैंने शॉर्ट में LTCG लिखा है सर यहाँ पे। शुड वन इन्वेस्ट नेट कंसिडरेशन और कैपिटल गेन, डिफरेंस है सर दोनों टर्म में। आपने 75 लाख में एक प्रॉपर्टी बेची जिसकी लागत 25 थी, तो आपका नेट कंसिडरेशन सर 75 लाख, जबकि कैपिटल गेन का अमाउंट आपका केवल 50 लाख। अब क्वेश्चन ये है कि आपको पूरे 75 इन्वेस्ट करने हैं या केवल 50 लाख, उस पर भी हम ध्यान से बात रखेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टू सेव टैक्स ऑन LTCG इफ यू सोल्ड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने मकान संपत्ति बेची है तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू सेव टैक्स ऑन LTCG इफ यू सोल्ड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने शहरी कृषि भूमि बेची है और आप कैपिटल गेन टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास में क्या ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू सेव टैक्स ऑन LTCG इफ यू सोल्ड लैंड और प्लॉट ऑफ लैंड, अगर आपने जमीन या जमीन का कोई प्लॉट बेचा है तो कैपिटल गेन टैक्स बचाने के क्या रास्ते हैं सर। एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू सेव टैक्स ऑन LTCG इफ यू सोल्ड एनी अदर एसेट, से फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर वगैरह बेचे और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है, अब आप वो टैक्स नहीं देना चाहते तो आप किधर री इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। एक और बात दोस्तों जोड़ूंगा यहाँ पे, मेरी ये वीडियो प्राइमा फेसाई इंडिविजुअल और HUF के लिए बनाई गई है, तो बाकी एसएससीज पर ये बातें जो मैं कर रहा हूं जरूरी नहीं है सेम टू सेम लागू हो। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने पहला प्रश्न रखा था, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब आप कोई संपत्ति बेचते हैं, जैसे मैंने बोला जी मैंने एक संपत्ति 75 लाख की बेची जिसकी लागत 25 लाख थी चाहे इंडेक्स थी, तो नेट मेरे पास में 50 लाख रुपए बचे। अब ये 50 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मुझे, लेकिन ये 50 लाख लॉन्ग टर्म है, ये डिपेंड करेगा कि मेरी एसेट की पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या थी। मैं एक चार्ट के रूप में आपके सामने ये बात रखता हूं कि मैंने यहां लिया सर नेचर ऑफ एसेट और मैंने आगे बात करी सर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है मेरी रिलेवेंट एसेट। जैसे लॉ ये कहता है सर कि आपके पास अगर लिस्टेड शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं या जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, तो 12 महीने प्लस की होल्डिंग होते ही वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। अनलिस्टेड शेयर दोस्तों 24 महीने प्लस पर लॉन्ग टर्म होते हैं। रियल एस्टेट सर, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, 24 महीने प्लस पर लैंडिंग हो, 24 महीने प्लस की होल्डिंग पर लॉन्ग टर्म होती है। और बाकी की सारी एसेट जैसे ज्वेलरी वगैरह, वो 36 महीने प्लस की होल्डिंग होने पर सर लॉन्ग टर्म होती है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये वीडियो का बेनिफिट आप तभी उठा पाएंगे जब आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सर ये वीडियो लागू नहीं होता। अब जैसा दोस्तों मैंने पहले बोला था कि हमें ये बात समझनी है कि हमें नेट कंसिडरेशन से 75 लाख रुपए प्रॉपर्टी बेचने से आए, कोई ब्रोकरेज नहीं है तो 75 लाख पूरा नेट कंसिडरेशन, और 25 लाख कॉस्ट घटाने के बाद मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 50 लाख। अब आप बोले कि भाटिया जी 50 लाख इन्वेस्ट करोगे या 75 करोगे, तो मैं ये कहूंगा सर इट वुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने रेजिडेंशियल हाउस बेचा है तो लॉ कहता है आप चिंता ना करें, आपको केवल री इन्वेस्टमेंट करना है कैपिटल गेन का, यानी 50 लाख का। लेकिन मान लीजिए मैंने प्लॉट ऑफ लैंड बेचा था तो मेरे को री इन्वेस्टमेंट करना है सर पूरे अमाउंट का। तो ये बात आपको रिलेवेंट कैपिटल गेन के सेक्शन से जाके पकड़नी होगी कि वो सेक्शन आपको नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है या कैपिटल गेन री इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, अकॉर्डिंगली आपको अपना इन्वेस्टमेंट की सुविधा बनानी पड़ेगी। अब मैं एक एक करके सर आपके सामने एक एक कैपिटल एसेट का ट्रीटमेंट बताता हूं कि रिलेवेंट कैपिटल एसेट पर कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचाना है। जैसे मेरा पहला प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू सेव टैक्स ऑन LTCG इफ यू सोल्ड हाउस प्रॉपर्टी, आपने मान लीजिए मकान बेचा, अब आप कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म हुआ बचाना चाहते हैं, क्या ऑप्शन है सर आपके पास। लॉ कहता है जी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नई हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब या तो आप मकान बना लीजिए या आप खरीद लीजिए, उसका स्पेसिफाइड पीरियड है, सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। मैं ये जरूर बोलूंगा सर आपको, अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से, अपने चार्टर अकाउंटेंट से जरूर राय करें ताकि आपका कैपिटल गेन का टैक्स लायबिलिटी सही कैलकुलेट हो, आपकी एग्जम्पशन सही तरीके से क्लेम हो। कई बार लोग
लॉक इन पेच को सही से पकड़ नहीं पाते और उसकी वजह से फाइनली उनको टैक्स देना पड़ सकता है, फिर पेनल्टी भी देनी पड़ती है। इसलिए मेरा हमेशा सजेशन रहता है सर, कैपिटल गेन के मामलों में आप टैक्स कंसल्टेंट की सहायता, चार्टर अकाउंटेंट की सहायता अवश्य लें। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे कि नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो लॉ आपको ऑप्शन देता है कि 50 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन आप NHAI या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप इन दोनों का एक ऑप्शन कंबाइंड भी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है कि मान लीजिए मुझे 60 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ मकान संपत्ति बेचने से, मैंने 50 लाख के तो बॉन्ड ले लिए और 10 लाख का नया मकान ले लिया, एग्जम्पशन मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी सर, तो आप इस सुविधा का भी फायदा दोस्तों उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू सेव टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ यू सोल्ड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। मैं मान लेता हूं आपके पास कृषि भूमि है जिस पर कृषि कर रहे थे, वो बेच दी, अब आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल गेन एग्जम्पशन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म का? यू मे इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन न्यू एग्रीकल्चर लैंड, आप नई एग्रीकल्चर लैंड में विनियोजन कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें। और यू मे इन्वेस्ट नेट कंसिडरेशन इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस, आप नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करके भी कैपिटल गेन की एग्जम्पशन ले सकते हैं। यहां मैं सेक्शन 54F की चर्चा कर रहा हूं, और उससे पहले जब आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो सर आपको सेक्शन 54B में एग्जम्पशन मिलती है। साथ ही दोस्तों, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप NHAI या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड भी ले सकते हैं 50 लाख, और आप इन तीनों का भी कोई कॉम्बिनेशन बना करके कैपिटल गेन की एग्जम्पशन ले सकते हैं, ये भी एक सुविधा आप तक उपलब्ध है। आइए दोस्तों, अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं कि जब आपने कोई पर्टिकुलर कैपिटल गेन कमाया सेल ऑफ प्लॉट से या प्लॉट ऑफ लैंड, यानी आपके पास में कोई जमीन का टुकड़ा है या कोई प्लॉट है, रेजिडेंशियल है चाहे कॉमर्शियल है, आपने वो बेचा और अब आप उसको बेच करके एक नया इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल गेन एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है सर कि आप नया रेजिडेंशियल हाउस ले लें, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल जाएगा। आप नया मकान बना भी सकते हैं या नए मकान का एक्विजिशन भी कर सकते हैं, दोनों सूरत में एग्जम्पशन आपको मिलेगी, पर ध्यान रखें आपको नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना। साथ ही दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख रुपए तक का अमाउंट RECL या NHAI के बॉन्ड में लगा करके भी कैपिटल गेन एग्जम्पशन ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पूछे बढ़िया जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी संभव है, तो मैं बोलूंगा हाँ सर, कॉम्बिनेशन भी उपलब्ध रहेगा। अब एक और बात सर, अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी एसेट बेची है जो पहले की एसेट से अलग है, यानी ना वो रेजिडेंशियल हाउस है ना वो प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ, शेयर्स बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ, तो कैसे बचाएंगे सर? एक ही ऑप्शन है, अगर आपके पास एक से ज्यादा मकान नहीं है तो आप एक नए रेजिडेंशियल हाउस में सेक्शन 54F में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, यहाँ बॉन्ड का भी ऑप्शन दोस्तों उपलब्ध नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी। मैं आशा करता हूं दोस्तों कैपिटल गेन एग्जम्पशन पर बनाई गई ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। फिर भी मेरा अंत में यही सजेशन रहेगा कि जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मामला हो, टैक्स बचाना हो, आप अपने चार्टर अकाउंटेंट अथवा टैक्स कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें, ताकि आप किसी प्रकार से टैक्स लायबिलिटी में ना उलझ जाएं या किसी पेनल्टी या इंटरेस्ट की लायबिलिटी आपके ऊपर अट्रैक्ट ना हो। साथ ही दोस्तों, आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।